उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी जितने घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की, इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लग रही है। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी, भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो। इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संजीव सिंह। ये देश के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उसके साथ साथ आपको बता दें कि दो राज्य में भी विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड और महाराष्ट्र में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी 68 सीट पर जो लड़ रही है, तो वहीं जेडीयू को 2 सीट मिला है। इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी है, उनको भी 1 सीट झारखंड में मिली है। इसको लेकर के लगातार राजनीतिक हलचले तेज है। अभी चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनसे सवाल किया गया, झारखंड में आपको 1 सीटें मिली है और साथ ही साथ 48 सीटों पर उपचुनाव होना है, आपकी पार्टी कहाँ का चुनाव लड़ रही है? इसको लेकर के साफ साफ चिराग पासवान ने कह दिया कि झारखंड के अतिरिक्त हम कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हर जगह इंडिया की मदद करेंगे। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी जहरीली शराब से जिस प्रकार से कई लोगों की जाने गई है, इसको लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। ये एक दुखद घटना है, जिस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई हैं, तबाह हुए हैं। सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, SIT का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाएगा। और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंततः बिहार में मौजूदा NDA की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे। एक सीट मिली है आपको झारखंड में, झारखंड में क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं और CM असम हेमंत बिश्व शर्मा जी वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की, इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर
हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसकी घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के पहले से सीटिंग कैंडिडेट रहे हैं। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी। पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी, भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो। इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, ये दुखद घटना है। बाबा सिद्दीकी जी, उनसे मेरा भी पुराना परिचय रहा, उनसे मेरे भी खूबसूरत मजबूत और पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। मैंने भी एक साथी को, उनके जाने में एक साथी को खोया है। ऐसे में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हर कदम, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक न हो। मुख्यमंत्री, तो आपने सुना कि साफ तौर पर चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड में हम लोगों को एक सीटें मिली है, सहमति मिल गई है, और जब जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं तो इसको आप अंतिम जो है मुहर ही समझिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम जगह जहां भी चुनाव होंगे एनडीए के जो कैंडिडेट होंगे उसके हम लोग मदद करेंगे, हमारी पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी रहेगी। साथ साथ शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, काफ़ी चिंता का विषय है, दुखद घटना है, तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं चिराग पासवान। आप भी सुने थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।